यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कोटखाई गुड़िया गैंगरेप और आरोपी सूरज हत्याकांड मामले में सीबीआई ने आरोपी पुलिस कर्मियों के टेलीफोन ऑडियो रिकॉर्डिंग कब्जे में ली है और सूरज की जेल में हुई हत्या मामले में पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी सीबीआई के शक की रडार से बाहर हैं। सीबीआई की ओर से शक के आधार पर ली गई टेलीफोन ऑडियो रिकॉर्डिंग में 9 में से 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं और शक के घेरे में आकर सीबीआई ने वॉइस सैंपल रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सीबीआई ने लोकअप हत्याकांड में गिरफ्तार 8 आरोपी पुलिस कर्मचारियों के वॉइस सैंपल फॉरेंसिक लैब जूंगा में भेजे हैं और दिल्ली फॉरेंसिक लैब में आरोपियों के वॉइस सैंपल का मिलान सीबीआई के हाथ लगी संदिग्ध ऑडियो क्लिप की बातचीत के अंश से किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने 16 नवंबर 2017 को डीडब्ल्यू नेगी को गिरफ्तार किया था और वहीं सीबीआई सूत्रों की माने तो सीबीआई के हाथ जो संदिग्धों की बातचीत के अंश लगे हैं उसमें डीडब्ल्यू नेगी सीबीआई के शक के दायरे से बाहर है। ऐसे में सीबीआई ने डीडब्ल्यू नेगी के वॉइस सैंपल लेना जरूरी ही नहीं समझा। डीडब्ल्यू नेगी उच्च न्यायालय में भी ब्रेन मैपिंग करवाने के लिए याचिका दे चुके हैं।